प्यारे बुज़ुर्गों माताओं भाई और बहनों आज जबकि हम सब अपने अपने घरों में इकट्ठे हुए हैं एक ऐसा समय है जिसमें कि हम ध्यान दें कि हम अपना समय कहाँ व्यतीत करते हैं जब हम बड़े ध्यान से अपनी और देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम में से बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो कि अपना काम काज करने के बाद जो समय हमें मिलता है वो किसी न किसी ऐसी चीज़ में गुजारते हैं जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें खुशी मिल रही है किसी को पेंटिंग का शौक़ है किसी को गाने का शौक़ है किसको म्यूज़िक बजाने का शौक़ है कुछ सोचता है कि वो नई नई चीज़ें ढूंढे किसी को टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है कोई इंटरनेट पर समय लगाता है कोई ऐसे हैं जो कि कोशिश करते हैं कि उनका ध्यान स्पोर्ट्स की ओर जाए उनको खेल कूद में बड़ा मज़ा आता है तो चाहे वो गेम्स को देखें चाहे ख़ुद खेलें चाहे जो प्रोफेशनल टीम्स हैं उनको देखें तो उस और इंसान का समय जाता है बहुत से लोग हैं जो आर्ट्स और क्राफ्ट में भी लगे रहते हैं कई लोग हैं जो कि नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं कोई लैंग्वेज नई सीखने की कोशिश करता है कोई नई स्किल सीखने की कोशिश करता है ताकि उन्हें कोई नई चीज़ और आए और जब हम ध्यान से देखें कि हम सब कर क्या रहे हैं तो जो ज्ञान हम पाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम समझते हैं हमको खुशी मिलेगी वो सब बाहर की दुनिया का है क्या हम समय निकालते हैं प्रभु को जानने के लिए क्या हम समय निकालते हैं प्रभु को पाने के लिए क्या हम समय निकालते हैं प्रभु से प्रेम करने के लिए महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं वो बार 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 हमें यही समझाते चले आए हैं कि जिंदगी प्रभु ने हमें बड़े प्यार से दी है उनकी दिया हुई नहीं तो हम चौरासी लाख जिया जून में भड़क रहे थे तो प्रभु ने दया की कृपा की और ये मानव चोला दिया और इस चोले में प्रभु ने सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए ताकि हम इस जिंदगी पे आने के मकसद को पूरा करवाए प्रभु को पाना ही जिंदगी का सबसे पहला मकसद है संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट कि प्रभु को जानना उनको पहचानना उनसे प्रेम करना ये जिंदगी का सबसे बड़ा ध्येय है और उसके बाद और चीज़ें होनी चाहिए तो क्या हम समय निकालते हैं प्रभु को जानने के लिए और जब समय प्रभु की जानकारी के लिए निकालेंगे तो फिर हमारा ध्यान अपने धर्म ग्रंथों की ओर जाएगा महापुरुषों की वाणियों की ओर जाएगा जो रास्ता वो दिखा गए हैं उस रास्ते को समझने की कोशिश हम करेंगे और उस रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपने मकसद को पालें सं दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ रूहानित के रास्ते के बारे में कहा जिन्होंने बहुत कुछ समझाया कि इस धरती पर आकर हमने करना क्या है जिन्होंने प्रभु को पाने का रास्ता दिखाया उन्होंने बहुत कुछ प्रभु की जानकारी के बारे में कहा है प्रभु कौन है हमारा प्रभु से क्या रिश्ता नाता है प्रभु को हम कैसे जान सकते हैं कैसे पहचान सकते हैं और क्या हमें इस धरती पर आकर करना है ताकि हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करा सकें पहले तो ये जानना जरूरी है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है और फिर उस आत्मा की मंजिल क्या है प्रभु से मिलना सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन पहले अपने आप को जानना और फिर पिता परमेश्वर को पाना बहुत कुछ संदर्शन सिंह जी महाराज ने आध्यात्मिक रास्ते के बारे में लिखा है उनके हर एक शेयर को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हर एक शेयर में इतना ज्ञान है कि अगर एक शेयर भी हमें ध्यान से समझ आ जाए वो क्या चाह रहे हैं हमें बताने के लिए वो हमारी समझ में आ जाए तो हम प्रभु की नज़दीकी ज़रूर पा सकेंगे तो आज मैं एक सन दर्शन सिंह जी महाराज का शेयर लेना चाहूंगा जो अगर हम बाहरी रूप से उसे देखेंगे तो हम क्या वो हमें समझाना चाह रहे हैं वो समझ नहीं पाएंगे लेकिन जब उसकी गहराई तक जाएंगे तो हम समझेंगे कि कैसे दो लाइनों में संदर्शन दर्शन सिंह जी महाराज ने हमें प्रभु को पाने का रास्ता दर्शा दिया संदर्शन दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं उम्मीद थी जिनसे कि बुझाएंगे मेरी प्यास कि उम्मीद थी जिनसे कि बुझाएंगे मेरी प्यास वो और मेरी प्यास को भड़का के चले हैं तो अगर हम खाली लफ्ज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो हम सोचेंगे कि हाँ हमें किसी चीज़ की प्यास लगी और हमें लगा कि शायद किसी से हमें कुछ मिलेगा जिससे प्यास बुझ जाएगी अब इंसान को प्यास लगती है और पानी पीता है उसकी प्यास बुझती है कुछ और पीता है गर्मी बहुत है कोई ठंडी चीज़ पीता है प्यास बुझती है तो हम उम्मीद करते हैं कि पानी मिलेगा प्यास बुझेगी तो यहाँ से सिंह जी महाराज क्या फरमा रहे हैं कि उम्मीद थी जिनसे कि बुझाएंगे मेरी प्यास कह रहे हैं प्यास लगी हुई है अगर ऊपर ऊपर से इसको समझेंगे तो लगेगा कि प्यास लगी हुई है कोई है जो बुझाएगा लेकिन फिर फर्मा रहे वो और मेरी प्यास को भड़का के चलेगा तो अगर लफ्जों को समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि हम तो प्यास बुझाने के लिए गए थे कहीं पर तो उन्होंने प्यास हमारी बढ़ा दी हमारी प्यास तो बुझी नहीं तो किस किस्म की प्यास की यहाँ संदर्शन सिंह जी महाराज बातचीत कर रहे हैं माप हमें समझाते हैं कि जो कुछ हमें पाना है उस और हमारा ध्यान होना चाहिए हमारे अंदर एक लगन होनी चाहिए पिता परमेश्वर को पाने की और एक पैशन हमारे अंदर होना चाहिए कि ज़रूरी काम है करना है जब एक लगन पूरे ज़ोर शोर से इंसान के अंदर होती है कि उसे कुछ करना है तो उसको वो फिर ज़रूर कर पाता है तो ज़रूरी है कि एक लगन हमारे अंदर होनी चाहिए एक वाक्य है जो इसे थोड़ा खोल के समझाता है एक संत महापुरुष थे उनके पास एक नौजवान आया और उसने उनसे कहा कि मैं प्रभु को पाना चाहता हूँ तो आप मुझे प्रभु को पाने का रास्ता दिखाइएगा वो संत महापुरुष तालाब के किनारे पर बैठे थे तो उन्होंने अपना हाथ लिया और नौजवान की गर्दन पर रखा और उसका मुंह पानी के अंदर डाल दिया अब जो मुंह पानी के अंदर डाल दिया तो वो हड़बड़ाने लगा लेकिन उस महापुरुष ने उसका उसका गला जो पकड़ा था उसका मुंह पानी के अंदर रख ही रखा थोड़ा समय बीता वो और अंदर से उसके अंदर और ऐसे भाव आए कि मुझे तो हवा चाहिए सीधे इधर मारा उधर मारा उधर मारा लेकिन उन्होंने उसका सिर पानी के अंदर रखा थोड़ी देर बाद उसका सिर निकाला तो उस नौजवान ने कहा कि ये आपने मेरे साथ क्या कर दिया आप तो मुझे डुबाने लगे थे पानी में संत महापुरुष ने उसे समझाया कि ये तरीका है पिता परमेश्वर को पाने का तो नौजवान ने कहा कि क्या मैं क्या डूब जाऊंगा मर जाऊंगा तब प्रभु को पाऊंगा तो उन्होंने कहा नहीं अब जब तुम्हारा सिर पानी के अंदर था तो तुम्हारे अंदर एक लगन थी कि तुम सांस ले सको जब तक तुम्हारे अंदर उस किस्म की लगन नहीं होगी प्रभु को पाने की जितनी तुम्हारे अंदर थी जब तुम पानी के अंदर थे सांस लेने की तब तक तुम पिता परमेश्वर को जान नहीं सकोगे पहचान नहीं सकोगे उनसे मिल नहीं सकोगे तो जब तक हमारे अंदर प्यास प्रभु को पाने की ना हो तब तक हम प्रभु की नजदीकी पा नहीं सकते क्योंकि प्रभु को पाना प्रभु से प्रेम करना है और बार 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 महा जाते समझाते हैं कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने पिता परमेश्वर को पाया और प्रेम में एक लगन चाहिए जब तक लगन नहीं हो तब तक हम किसी से प्रेम कर नहीं सकते सम के पाल सिंह जी महाराज की जिंदगी का एक वाक्य है जब वो अपने घर से कहीं बाहर ट्रांसफ़र हो गए थे तो जब वहाँ पर काम करते थे तो जो उनके साथ काम करते थे उन्होंने तो नोटिस किया कि दिन में उनकी आँखों से पानी टपकता था और फाइलें गीली भी हो जाती थी और जो उनके घर की सफाई करते थे उन्होंने तो ये भी देखा कि रात को वो जब सोते थे सवेरे उठते थे तो तकिया गीला होता था कि आंखों से आंसू निकलते थे और वो तकी को गिला कर देते थे तो सबने ये सोचा कि इनको शायद अपने घर की याद आती है कि घर से दूर आए इस करके इनके आंसू निकलते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि संत कृपाल सिंह जी महाराज की लगन प्रभु को पाने की इतनी ज़्यादा थी कि उनका ध्यान हर पल हर क्षण पिता परमेश्वर की और रहता था और प्रभु के प्रेम में उनकी याद में ही और उनसे जो बिछोड़ा था उस करके ही आंसू आंखों से टपकते थे तो जब तक इंसान के अंदर ऐसी लगन होगी नहीं तब तक वो प्रभु को पा नहीं सकता तो संदर्शन सिंह जी महाराज इस शेर से हमें क्या समझा रहे हैं वो फुरमारे कि उम्मीद थी जिनसे कि बुझाएंगे मेरी प्यास प्यास क्या है प्रभु को पाने की और प्रभु को पाने की प्यास बुझेगी कैसे जब हम पहले अपने आप को जानेंगे फिर पिता परमेश्वर को पाएंगे और प्रभु को महापुरुषों ने सत चित और आनंद के जरिए समझाया है कि सच्चाई के वो महासागर है चेतनता के महासागर है और आनंद की अवस्था में रहते हैं तो हमने सच्चाई का रास्ता ढूंढना है अगर उस प्यास को बुझाना है तो हमें अपने अंदर सदगुणों को ढालना होगा जब तक हमारी बुनियाद सही नहीं होगी मंजिल की ओर हम बढ़ नहीं पाएंगे तो हमारे अंदर सच्चाई के भाव हों हम नम्रता से जिए हम प्रेम से जिए हम निष्काम सेवा भाव से जिए औरों के मददगार हों हम देखें कि औरों के लिए हम कुछ कर पाए करुणा से जिएं कम्पैशनेट हों हम अहिंसा का रास्ता अपनाएं तो ये सद्गुण जब हमारी ज़िंदगी में होंगे तो फिर हमारी बेस तैयार होगी तो अगर उस प्यास को बुझाना है तो पहले हमें अपने आप को उस अवस्था में करना है जिसमें कि हमें होना पड़ेगा पिता परमेश्वर को पाने के लिए और फिर जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे अपनी जिंदगी ऐसे जिएंगे जैसे प्रभु चाहते हैं कि हम बने तो फिर हमें चेतन होना है सत चित हमें चेतन होना है हमें अपने आप को जानना है इस समय क्या है हम हम मंदनियों के घाट पर जी रहे हैं आंखों से देखते हैं कानों से सुनते हैं जबान से चखते हैं नाक से सुनते हैं और स्पर्श केंद्रीय और इन इंद्रियों के जरिए ही सारी जिंदगी गुजार देते हैं जो अच्छा लगता है उस और, और खींचे चल जाते हैं जो बाहर सुनने में अच्छा लगता है उस और चल जाते हैं और बाकी इंद्रिया भी हमारा ध्यान जो हमारी आत्मा का भारी रूप है उसे बाहर की दुनिया में डाल रहे हैं। हमें चेतन होना है हमें जानना है कि मन इंद्रियों के घाट से हमें ऊपर उठना है कि जहां इस जहां के आगे और भी हैं कि हमें सिर्फ शारीरिक रूप से ही जीना नहीं हमें आध्यात्मिक रूप से जीना है तो हमें चेतन होना तो चेतन कैसे होंगे महापुरुष सम समझाते हैं कि जब सृष्टि रची गई तो प्रभु से शब्द उत्पन्न हुआ उसके जरिए सारे खंड मंडल बने उसके जरिए सारी सृष्टि रची गई उसी के जरिए हम जो सही मैनों में आत्मा है जो परमात्मा अंश है यहाँ अलग अलग मंडलों में पहुँचे और आज हम पिंड के देश में हैं जिसमें हमारी धरती है आसमान है और कई बहुत सी गैलेक्सीज हैं हमारा सूर्य है चंद्रमा है सितारे है, हैं लेकिन और भी बहुत सी गैलेक्सीज हैं और प्रभु का जो शब्द है जिसने सबको रचा जिसके ज़रिए हमें आए हैं वो कण कण में समाया है वो सब जगह चल रहा है और उसको सुनने के लिए हमें एक रिसीवर दिया गया है जैसे जब आपके घरों में टीवीज़ हैं रेडियोज़ हैं जब आपको इन्फॉर्मेशन आती है अलग अलग स्टेशन से तो तो उसको आप ट्यून इन कर सकते हो तो एक ट्रांसमिटिंग स्टेशन है जहाँ से कि इन्फॉर्मेशन आती है और एक रिसीवर है तो सारे शब्द प्रभु से उत्पन्न हुआ है वो ट्रांसमिटिंग स्टेशन है और हम सब रिसीवर हैं और प्रभु के शब्द को सुनने के लिए उसको देखने के लिए उसके दो रूप हैं ज्योति और श्रुति लाइट एंड साउंड तो शब्द को हम सुन सकते हैं शब्द को हम देख भी सकते हैं रोशनी को देख सकते हैं और अपने अंदर मधुर संगीत सुन सकते हैं तो उसका जो रिसीवर है वो यहाँ सबको ये यह शिव नेत्र ये दसवा द्वार प्रभु ने दिया है तो हर एक इंसान पिता परमेश्वर के शब्द को सुन सकता है उनकी ज्योति के दर्शन कर सकता है और उसके साथ जुड़कर हम अपनी आत्मा को उड़ान दे सकते हैं ताकि हम जो पिंड के देश हैं यहाँ से सचखंड जो सिंचाई का खंड है वहाँ पर पहुँच सकते हैं और जितने भी मन माया के पर्दे हमारी आत्मा पर लगे हुए हैं वो आस्ते आस्ते हर से चले जाएंगे और जब हम सचखंड में पहुँचेंगे तो फिर हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो सकता है हर एक इंसान जो धरती पर आए वो प्रभु को जान सकता है हम सब पिता परमेश्वर की संतान है हमें ध्यान उस ओर करना है तो हमें करना क्या है सन दर्शन सिंह जी महाराज पर मारे कि उम्मीद थी जिनसे कि बुझाएंगे मेरी प्यास कि मेरे अंदर प्यास लगी हुई है प्रभु को पाने की तो मैं किसी संत महापुरुष के पास गया कि वो मुझे मदद करेंगे मेरी प्यास को बुझाएंगे उन्होंने क्या किया कि वो और मेरी प्यास को भड़का के चले हैं मैं तो गया सोचा मेरी प्यास बुझ जाएगी उन्होंने क्या करा मुझे अंदर प्यास और बढ़ा दी क्यों बढ़ा दी ताकि जब तक हमारी लगन और बढ़ती नहीं जाएगी बढ़ती नहीं जाएगी बढ़ती नहीं जाएगी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे नहीं वो जो लगन है हमारी पिता परमेश्वर को पाने की जो लगन है प्रभु से प्रेम करने की वो कभी हटनी नहीं चाहिए हमारा प्रेम प्रभु से असीम है वो कभी कम नहीं होना चाहिए इसीलिए जो यहां पे वर्ड प्यास यूज किया वो लगन के लिए किया गया कि जो लगन है अपने आप को जानने की जो लगन है पिता परमेश्वर को पाने की वो लगन और बढ़ जाती है जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं क्यों बढ़ती है क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी लगन बढ़े हमारा लगाव पिता परमेश्वर से और ज़्यादा हो हम उनसे प्रेम ज़्यादा करें उन्हें मालूम है कि जब प्रभु से ज़्यादा प्रेम करेंगे तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे तो दिन ब दिन लगन बढ़ती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है और बढ़ती चल जाती कैसे बढ़ती है कि वो हमारे शिव नेत्र को दसवें द्वार को जो बंद है खोल देते हैं अपनी तवज्जो से खोलते हैं और फिर हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक हो जाते हैं जब हम इस शरीर से ऊपर उठते हैं उनकी मदद से अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो हमें अंदर में प्रभु की ज्योति और प्रभु की ध्वनि का अनुभव होता है हर एक नज़ारा और से और खूबसूरत और हसीन हर एक जो हम ध्वनि सुनते हैं वो और मधुर और मधुर होती है और हमें मस्ती प्रभु के प्रेम की चढ़नी शुरू होती है जब हमें अंदर की चीज़ें अच्छी लगती हैं उनसे लगाव होता है तो फिर हम चाहते हैं कि वहाँ पर हम ज़्यादा दे रहे हम चाहते हैं कि हमारे कदम प्रभु की ओर बढ़े तो जो वो लगन है जो प्यास है प्रभु को पाने की वो और बढ़ती चली जाती है कि जब एक चीज का अनुभव हम चाहते हैं दूसरी का हो तीसरी का हो चौथा हो क्योंकि वो हमें बड़ा खुशी देता है शांति देता है आनंद देता है और हम प्रभु की नजदीकी आस्ते 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 पानी शुरू कर देते हैं तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि एक संत महापुरुष अपनी तवज्जो देकर हमारे अंदर जो प्रभु के लिए प्रेम है उसको और जागृत करते हैं अगर किसी में प्रभु के लिए प्रेम है तो अपनी तवज्जो से उसको बढ़ाते हैं अगर किसी के अंदर प्रभु के लिए प्रेम नहीं है तो उसको समझाते हैं कि तुम अपने अंदर सद्गुणों को ढालो ताकि तुम्हारी बुनियाद बने फिर अभ्यास करने का तरीका सीखो ताकि शरीर से ऊपर उठ सको अंदर की दुनिया में बढ़ सको और फिर जब तुम्हें अंदर की दुनिया में प्रभु के शब्द का अनुभव होगा तो खुद बखुद तुम्हारा तुम्हारा लगाव पिता परमेश्वर से बढ़ता चल जाएगा तो हमें रास्ता दिखाते हैं उस रास्ते पर चलाते हैं ताकि हम जो कि अपने आप को जानने के लिए पिता परमेश्वर को पाने के लिए इस धरती पर आए हैं हम अपने मकसद को पूरा कर सकें तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यहाँ समझा रहे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष है जो हमारी लगन प्रभु के लिए और बढ़ाते चले जाते हैं और बढ़ाते चल जाते हैं और बढ़ाते चल जाते हैं हम उनके जरिए प्रभु के प्रेम का अनुभव जो भी आज कर रहे हैं कल और ज्यादा करेंगे परसों और ज्यादा करेंगे अगले दिन और ज्यादा करेंगे वो प्रभु के प्रेम का जो एक्सपीरियंस है जो अनुभव है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा बढ़ता चल जाएगा बढ़ता चलेगा जैसे जैसे वो बढ़ता चल जाएगा वैसे ही वो लगन और बढ़ती चल जाएगी तो हमें संदर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष इसीलिए धरती पर आते हैं कि वो हमारे अंदर पिता परमेश्वर के लिए प्रेम जागृत करें उसको और बढ़ाएं ताकि हम प्रभु से और प्रेम करें और हम प्रभु को इसी जिंदगी में पालें ताकि चौरासी लाख जिया जून से हमारा छुटकारा हो जाए तो हम सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठिएगा अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा ये जो आंखों के ढेलें आए बोलते सीधे सामने होने चाहिए जैसे आठ दस इंच आपके सामने फोकस हो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरण कीजिएगा जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा जाप मन ही मन करना है ऊंचा नहीं दौड़ाना हो सकता है शुरू में आपको अंधेरा दिखाई दे थोड़ी देर में उस अंधेरे में आपको रोशनी के चिन्ह दिखेंगे रोशनी शुरू में लगता है जैसे आके जा रही है रोशनी के चक्र हो सकते हैं रोशनी तरह तरह के रंगों की हो सकती है सुनहरी सफेद लाल पीला नीला हरा जामनी या कोई और रंग जो कुछ आपको दिखता है उसके बीच में देखिए ध्यान से समय के साथ आपको लगे रोशनी टिक गई है तो हो कह रहा है कि प्रभु की ज्योत आप सबके भीतर है जब आपका ध्यान टिकता है आपको रोशनी दिखाई देती है जब आपका ध्यान टूट जाता है आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है तो समय के साथ साथ जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ती है आपको लगता है रोशनियाँ टिक गई फिर आप उनसे आगे निकल जाते हैं एक आसमान जिसमें सितारे रहे हों और वहाँ पहुँचे सबसे मोटे चमकीले सितारे में ध्यान दें उसको पार करेंगे अंदर के चंद्रमा अंदर के सूर्य को पार करके आप अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक तो पहुँचेंगे जो आपके अंदर की दुनिया में जाने में मददगार होंगे हमारा काम है शरीर को शांत करना मन को शांत करना और हमारे गुरु का काम है कि जो जो हमारे लिए बेहतर है जो जो अनुभव बेहतर है वो हमारी ज़िंदगी में वो डालते चले जाए मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संशन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है मापुष हमें दें हमें प्रभु की जानकारी दें और हमारे कदम पिता परमेश्वर की ओर तेज़ी से बढ़ाएं थोड़ी देर में मैं आपको आके इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं छोड़ दीजिए जी प्लीज़ लीव ऑफ